अंगीकार अभियान के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए शहरी विकास आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि अंगीकार अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाना, योजना में समायोजन करना व उनका लाभ प्रदान करवाना है। अंगीकार अभियान के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए शहरी विकास आवास एवं नगर योजना मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि अंगीकार अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाना होगा। उन्होंने कहा कि अंगीकार अभियान के लिए सरकार द्वारा 3 महीने की अवधि निश्चित की गई थी। अंगीकार अभियान का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहाँ स्वच्छता हो, पानी का संरक्षण हो, बिजली की बचत हो, धुआं रहित चूल्हे की सुविधा तथा जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री ने नगर निगम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों और रैग पिकर्स को भी पुरस्कृत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को डस्टबिन और बैग भी वितरित किए। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष 29 अगस्त से शुरू किया गया था और इसे 3 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधिकारिक रूप से 2 अक्टूबर को मंडी जिला से इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ था, जिसका समापन आज धर्मशाला में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरे भारतवर्ष में अंगीकार कार्यक्रम का एक टारगेट दिया था, विद इन 3 मंथ्स इस सारे कार्यक्रम जो उन्होंने दिए इसको हमें क्रियान्वित करना था। इसकी वर्कशॉप हमने शिमला में की और शहरी मंच से मंडी से इसका शुभारंभ हमने 29 अगस्त 2019 को किया। सो आज ये तय था कि शुरुआत वहाँ से होगी, समापन धर्मशाला से होगा। कॉर्पोरेशन का एरिया भी है और स्मार्ट सिटी का एरिया भी है और यहाँ पर इस अंगीकार कार्यक्रम में हमें स्वच्छ रहने की बात जो है उसको बताएगा और स्वस्थ रहने की बात जो है ये दो चीजों के बीच में, विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कार्यक्रम है जो शहरी निकायों में है उसमें कोई छूट ना जाए, रह ना जाए और लोग पूर्ण तरीके के साथ अपने टॉयलेट्स और पूरा सुविधा के साथ और वातावरण सही हो, हवादार वातावरण हो, पानी की सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, ये सारी चीजें सुनिश्चित की थी। और उसमें बहुत सारी जगह पे हमने शिविर करवाए जिसमें हेल्थ ना आयुष्मान का, हिम केयर का और उज्ज्वला जैसी स्कीम जो है उसको भी पूरा तरीके से विभाग ने सभी स्कीम्स को कवर किया जो केंद्र से प्रमुख रूप से जुड़ी थी। वो हमारा टारगेट था उसको पूरा करना, उसको हमने विभाग के अधिकारियों को ही नहीं इसमें हर जिले के डीसी को भी इन्वॉल्व किया, मैंने शिमला में बुलाया, उनके माध्यम से जो है विभाग को पूरे जिलों में ये कार्यक्रम चले हैं। स्कूल्स में हम लोगों ने गोष्ठी करवा के, आप डिबेट्स करवा के, बच्चों की पेंटिंग करवा के अलग अलग माध्यम से अवेयर कराया। मुख्यमंत्री जी ने आज जो रैली को शुभारंभ किया और एक शब्द दिलवाई है जिसमें सारी चीजें इसमें कवर होती है कि जीवन में सफाई कैसे रखनी है, स्वस्थ कैसे रखना है, कचरे का प्रबंध कैसे करना है और अच्छे वातावरण में कैसा रहना है, वो शब्द बच्चों को दिलाई ताकि छोटे बच्चों में वो जो गुण पैदा हो जाएंगे बड़े होके वो हमारे लिए लाभदायक रहेंगे। हम बड़ों को भी बच्चों के माध्यम से बहुत सारी प्रेरणा भी मिलती रहेगी। बेनिफिशरीज को भी आपके द्वारा जो सम्मानित किया गया है, निश्चित रूप से देखो हमारा विभाग जो है इसमें मैं बहुत सम्मान दे रही हूँ उन कर्मचारियों को जो सफाई की दृष्टि से विभाग का सहयोग करते हैं, उनको हमने कैश प्राइज भी दिए, सम्मानित भी किया और समय समय पर उनकी जो एक्टिविटीज है उनको रिकॉग्नाइज हम करते हैं, उनके हेल्थ का ध्यान रखते हुए उनको हेल्थ चेकअप करवाते हैं ताकि वो लगातार विभाग के साथ जुड़ के अपना काम करते रहे, इंसेंटिव्स उनको हमें देने होते हैं। विपक्ष की भूमिका निभाना उनका प्रमुख मुद्दा है और जिस तरह से कांग्रेस को 2 चुनावों में जमानत जब्त हुई है उसी तरीके के साथ मुझे लगता है उनको कुछ तो अपना रोल अदा करना है विधानसभा के अंदर।